हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे किन्नू से बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, किन्नू इस मौसम में काफ़ी मार्केट में आया हुआ है, तो आइए आज हम बनाएंगे किन्नू से बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत अच्छी रेसिपी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ईजी तरीके से बन के तैयार होगी। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने किन्नू के छिलके उतार लेंगे। आज हम संतरे से बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी आपको रेसिपी बनाकर दिखाएंगे, जिसे आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे, और ख़ासकर ये बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। तो हम सभी संतरों को अच्छे से छील लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे किन्नू के नाम से जाना जाता है, वैसे नॉर्मली हम इसे संतरे भी बोल सकते हैं, बस थोड़ा सा इनके टेस्ट में चेंजिंग होती है। जो संतरे होते हैं वो खट्टे मीठे होते हैं, और ये है काफ़ी मीठे आते हैं किन्नू, और इनके कलर में भी चेंजिंग होती है। संतरे थोड़े से ग्रीन कलर में होते हैं और यह बिल्कुल ऑरेंज कलर में ही होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट संतरों से काफ़ी मीठा होता है। तो देखिए, मैंने ये 3 से 4 संतरे लिए हुए थे, ये अच्छे से छील लिए हैं, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब इस प्रकार का हम जार ले लेंगे और इन्हें तोड़कर जार के अंदर डाल लेंगे। तो देखिए, ये मैंने जार के अंदर डाल लिए हैं, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ इसका जूस चाहिए है। तो इसमें पहले मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और अब मिक्सी में इसे एक बार घुमा लेंगे। मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ मैं, और अब इस प्रकार की एक छलनी ले लूँगी, जिसमें कि हमें इस जूस को छानना है। मैंने इसे अपनी छलनी में डाल दिया है, और जो बचे हुए संतरे थे वो भी मैं इसी में डालकर दोबारा से फिर से ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये 4 संतरे लिए हुए थे। आपके पास जितने अवेलेबल हों उतने ले सकते हो आप। तो बचे हुए संतरे से थे उनका भी मैंने जूस इस तरह निकाल लिया है, और अब हम एक चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से घुमा लेंगे, ताकि जो इसका जूस है छलनी में से नीचे की तरफ अच्छे से निकल जाए, और ये जो संतरे बचे हुए हैं उन्हें दोबारा से फिर से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगी, क्योंकि हमें इसका जूस निकालना है, और जो ऊपर का पल्प है उसे, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है उसे निकाल कर एक तरफ कर देना। फ्रेंड्स, अगर आपको जूस निकालना है तो आप इस तरीके से बड़े इजी तरीके से इस जूस को निकाल सकते हो। अगर आपके पास जूस निकालने वाली मशीन नहीं है, तो इस तरीके से यह जूस काफ़ी अच्छे तरीके से निकल कर तैयार हो जाता है। कि मैंने फिर से जो बचा हुआ संतरा था वो भी अच्छे से इसका जूस निकाल कर तैयार कर लिया है, और अब हम एक चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से छान लेंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा जूस बचा हुआ। देखिए, आप देख सकते हो बीज इसके बिल्कुल साबुत है इसमें, और वैसे भी जो किन्नू आते हैं वो मीठे होते हैं काफ़ी, तो यह इसका जूस आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बड़े इजी तरीके से आप इस जूस को तो बनाकर तैयार कर सकते हो, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ किन्नू से बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी रेसिपी, जिसे कि बच्चे एक बार नहीं बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो देखिए, मैंने ये जूस निकाल लिया है, आप देख सकते हो इस प्रकार का यह जूस बना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जूस निकाल लिया है, इसे मैं एक साइड में कर देती हूँ, और अब हम लेते हैं एक कढ़ाई। इस प्रकार से मैंने ये कढ़ाई ली हुई है। कढ़ाई में आपको डालनी है चीनी, तो चीनी का आप मेजरमेंट एक कटोरी से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कटोरी का मेजरमेंट लिया हुआ है, ये एक कटोरी और हाफ कटोरी मैंने इसमें चीनी डाल ली है। मीठा आप जितना पसंद करते हो उतना ही डाल लीजिएगा। और अब मैं अपनी गैस को ऑन कर देती हूँ। इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा पानी, ये छोटी गिलासी जो मैंने ली हुई है वो पानी की ली हुई है। अब मैं इसका बनाऊँगी बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया चाशनी, तो उसके लिए मैंने इसमें पानी डालकर इसे मैं एक साइड में कर देती हूँ। और अब आते हैं हम उसी प्रोसेस में, जो कि जिसमें कि मैंने जूस निकाल कर तैयार किया था, और इस तरह का मैंने ले लिया है एक बाउल। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने इस कप से ही नापूंगी कि आपको यह कितना जूस लेना है। तो देखिए, मैंने ये एक कप और 2 कप यह जूस लिया हुआ है। आप चाहो तो इसे 3 कप भी ले सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही कप जूस लिया हुआ है। और अब इसमें मिक्स करेंगे हम ये बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के। जितना आपने जूस लिया है उसका 1/4 हिस्सा आपको कॉर्नफ्लोर लेना है। तो देखिए, मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, और अब इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। यह बिल्कुल नई रेसिपी, इसे आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने के लिए मन करेगा, और खाने में बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है।
तो देखिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो इसमें लम्स होते हैं उन्हें आप ख़त्म कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसे मैं एक साइड में कर दूंगी। अब हम चलते हैं अपनी चाशनी की तरफ, देखते हैं हमारी चाशनी किस तरह है और कैसी बनी हुई है। तो देखिए हमारी चाशनी धीरे धीरे बॉयल हो रही है। तो अब हम एक ही इस प्रकार का चम्मच ले लेते हैं जिससे कि हम चाशनी को अच्छे से बॉयल कर लेंगे और अच्छे से घुमाकर इसे हिला देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और अब इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी चीनी अच्छे से घुल चुकी है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स इस चाशनी को आपको दो तार की बनाना है, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो इस प्रकार आपको थोड़ी सी चाशनी लेनी है और ठंडे होने का वेट करना है और इस तरह से हाथों में लेकर चेक करना है। इसमें मैंने पानी बहुत कम लिया है इसलिए है दो तार की ही बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी चाशनी काफ़ी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है और यह दो तार की ही बनकर तैयार हुई है। आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मैं आपको अब चेक करके इसमें दिखा देती हूँ, इसमें तार बन रहा है। तो इसे थोड़ा सा बॉयल और कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी पोजिशन में मैं इसमें डाल दूँगी अपना मिक्सचर जो कि मैंने ऑरेंज के जूस का और अपने कॉर्नफ्लोर का बनाया था। फ्रेंड्स यह है मिठाई इस तरीके से बनकर तैयार होगी। इसे आप 1 वीक के लिए आराम से रख सकते हो या फिर 1 मंथ के लिए भी स्टोर कर सकते हो। ये मिठाई बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो देखिए हमारी चाशनी को हम हिलाते हिलाते अब इसके अंदर अपना जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो भी इसमें डाल लूँगी, हिलाती रहूँगी ताकि इसमें लम्स ना हो। तो देखिए आप देख सकते हो मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। फ्रेंड्स कॉर्नफ्लोर ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत सी रेसिपियों में काम आता है और इससे काफ़ी अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होती है। आपको यह किसी भी परचून की दुकान से नॉर्मली मिल जाएगा। तो देखिए मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे की तरफ लगे नहीं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जब फूलता है तो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर अपने आप ही चेंज हो चुका है। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, जैसा मैंने पहले दिखाया था वैसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको इसे इस तरह हिलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स इसका कलर कितना प्यारा और कितना अच्छा, बिल्कुल हलवे जैसा लगने लगा है। लेकिन आपको इसे हिलाते इसी तरह रहना है। जो आप इसे हिलाने से रुक जाएंगे तो इसमें काफ़ी लम्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स ऑरेंज का इसमें कलर नेचुरली काफ़ी अच्छा आया हुआ है। अगर आप चाहो तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हो, अगर आपको और भी अच्छा कलर लाना है तो। मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ये आपके सामने ही मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको इसे तब तक खिलाना है जब तक इसका ये अच्छे से कॉर्नफ्लोर पक नहीं जाता और हमारी मिठाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं दिखती। तो मैं इसे लो फ्लेम पर इसी प्रकार हिलाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी जब तक यह अच्छे से पक नहीं जाता। आप इसकी कंडीशन देखते रहिए कि इसकी कलर में कितनी चेंजिंग आ रही है। पहले जैसा था यह बिल्कुल वैसा नहीं है। अब आपको इसमें टोटली 10 मिनट लग जाएंगे बनाने में। आप अपनी घड़ी का टाइम देख लीजिएगा और इसका मैं तरीका भी आपको बताऊंगी कि आपको इसका कैसे पता लगेगा कि यह पक चुका है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप इसे देख सकते हैं कि पहले में और अब में इसमें काफ़ी चेंजिंग आई है और कितना शाइनी बना हुआ है। देखिए दिखने में भी कितना बढ़िया दिख रहा है। फ्रेंड्स आप इसे जितना अच्छे तरीके से पकाएंगे उतना ही ये खाने में टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट अच्छा बनेगा। इसमें काफ़ी चमक आ चुकी है आप देख सकते हो। तो हम इस चमक को इसी तरह बरकरार रखेंगे और इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे और इसी कंडीशन में हम डालेंगे इसमें 1 स्पून घी। फ्रेंड्स घी डालने से इसमें काफ़ी अच्छी शाइनिंग आती है और काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स मैंने इसमें ना तो कोई कलर डाला है और ना ही इसमें कोई भी इस तरह का कोई भी केमिकल डाला है जिससे कि आपको ये ऐसा दिखे कि ये डार्क ऑरेंज दिखे। यह नेचुरली कलर है, लेकिन अगर आप डालना चाहो तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसका और अच्छा कलर दिखाना चाहते हैं तो आप इसके लिए इसमें फूड कलर डाल सकते हो, वरना ये ऐसे भी काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी अच्छा बनेगा ये, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो देखिए आप देख सकते हो कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है और कितना बढ़िया लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी चमक आ चुकी है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से पककर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में डालकर चेक कर लेती हूँ कि अच्छे से पका है या नहीं। तो उसके लिए मैं इसे एक प्लेट में डालकर थोड़ा सा हिलाकर देख लूँगी। बाकी आप बीच बीच में इसे हिलाते भी रहिए ताकि ये नीचे की तरफ ना लगे। फ्रेंड्स देखिए इसकी पहचान यही होती है, जब ये पक जाता है तो हाथों पर बिल्कुल नहीं चिपकता, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये इस प्रकार का हो जाता है।
इसके बिल्कुल बॉल बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए मैं अभी इसे एक साइड में कर देती हूँ और इसे उठाकर देखती हूँ, तो देखिए यह बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है और इसमें से जो हमने एक चम्मच घी डाला था वो खुद ब खुद रिलीज होने लग जाता है। तो अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, यह कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में भी, और जब कढ़ाई में चारों तरफ घूम रहा है तो देखिए, और जो चारों तरफ से चिपका हुआ था वो भी उतर चुका है। तो इस प्रकार यह है कढ़ाई में डांस करने लगेगा। इसकी यह पकने की पहचान है कि यह काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है और काफ़ी शाइनी हो चुका है, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यह बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है क्योंकि यह इकट्ठा होने लगा है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार, देखिए यह कितना बढ़िया दिख रहा है दिखने में भी, और कलर भी इसका नेचुरली ऑरेंज आया हुआ है। तो अब मैं इसे एक साइड में रख दूँगी और एक इस तरह का कंटेनर ले लेती हूँ जिसकी मैंने चारों तरफ पहले से ही घी लगा दिया था, और इस कंडीशन में मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े से मगज़ के बीज और पिस्ता। इससे यह दिखने में भी अच्छा दिखेगा और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट, जब बीच बीच में ये मगज़ के बीज आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कर लीजिएगा, वरना आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, काजू हुआ या फिर बादाम हुआ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिएगा। तो देखिए अब मैं इसे अपने इस कंटेनर में डाल लूँगी, देखिए डलते हुए भी कितना प्यारा और कितना सिल्की और कितना शाइनी लग रहा है ये। तो आपको इसे इस तरह डाल लेना है इसमें और चम्मच की सहायता से इसे उतार लेना है, जो भी आपके चम्मच पर लगा हुआ है या कढ़ाई पर भी है उसे धीरे धीरे आप इस तरह लगा लेंगे। बड़े ही आसानी से और नॉर्मल तरीके से उतर कर तैयार हो जाता है। ये हाथों पर भी बहुत ही कम तरीके से चिपकता है, देखिए इसकी इस तरह की बॉल्स बन जाती हैं जब यह पककर तैयार हो जाता है, और जब यह पकता नहीं है तो ये हाथों पर चिपकने लग जाता है। अगर आपके पास प्लास्टिक की चम्मच हो तो वो ले लीजिएगा, वरना इस प्रकार का मैंने जिस तरह है यह पलटा लिया हो इस प्रकार का, लेकिन इस पर हल्का सा घी लगा लीजिएगा ताकि इस पर यह चिपके नहीं, क्योंकि अभी गर्म है ये। और इस तरह इसे प्रेस कर लीजिएगा, धीरे धीरे जब इसे आप प्रेस करेंगे तो ये एक बार ही चिपकेगा, देखिए हमारे चम्मच पर यह बिल्कुल नहीं लगता है। और फ्रेंड्स मैं आपको इसे ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ यह कितना बढ़िया और कितना अच्छा दिखता है दिखने में भी और खाने में भी। यह बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह मैं इसे छोड़ देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने जो ऑरेंज की अपनी ऑरेंज का हलवा बनाकर तैयार किया था वो अब हमारा जम चुका है। इसे 10 से 15 मिनट हो चुकी हैं, तो मैंने इस प्रकार की एक प्लेट ले ली है और प्लेट के ऊपर मैं इसे अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए दिखने में कितना लाजवाब और कितना अच्छा दिख रहा है, आप देख सकती हूँ यह कितना बढ़िया लग रहा है। अगर इसकी गार्निश के लिए आप इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो डाल सकते हो, देखिए यह कटने में भी बहुत ही अच्छी कट रही है। आप चाहो तो इसकी कोई भी शेप दे सकते हो, जिस प्रकार की भी आप चाहो। तो बिल्कुल मैं इसे मिठाई की तरह काट रही हूँ, आप देख सकते हो, और साइड में से हमें इसे काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी अच्छे तरीके से जमा हुआ है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं इसमें से एक मिठाई आपको उठाकर दिखाती हूँ, देखिए इसका टेक्सचर भी कितना बढ़िया बना हुआ है, यह दिखने में बिल्कुल दानेदार और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, देखिए आप देख सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।